जी आज आपको बनाना सिखाऊंगी मैं चिकन जल फ्रेजी। और अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चिकन जल फ्रेजी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि प्याज चाहिए होंगे और इस साइज़ के कटे हुए प्याज ले लें। मैंने एक मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया था और उसको बड़े बड़े स्लाइस इस तरह कर लिए थे। जी चिकन जल फ्रेजी बनाने के लिए आपको 1 किलो चिकन चाहिए होगा। मैं यहाँ बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ चिकन ब्रेस्ट ली और उसके इस तरह के क्यूब्स करवा लिए। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगी, मैं 1 कैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कैन ना मिले तो आप 4 टमाटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। शिमला मिर्च है मेरे पास 3 डिफरेंट कलर की। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए, 1 सब्ज़ मिर्ची, अदरक लहसुन की पेस्ट मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, ये देखिए यहाँ आपको कोरिएंडर पाउडर नज़र आ रहा होगा 1 टेबलस्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें और हल्दी 1/2 टीस्पून, ऑयल चाहिए होगा हमें 1/2 कप। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं कैसे बनता है चिकन जल फ्रेजी। देखिए मैंने ऑयल इस तरह ऐड कर दिया कढ़ाई के अंदर, गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और हमने इनको सॉफ्ट करना है। देखिए प्याजों को हम करेंगे सॉफ्ट, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे। हल्का सा इनके ऊपर कलर आना चाहिए हाई हीट पर रख के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याजों के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और इसको कर देंगे मिक्स। शुरू से लेके अब तक हाई हीट पे ही है। इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हमने क्या करना है कि अपना चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देना है और हाई हीट पे ही रख के हमने चिकन को पकाना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन कलर ना छोड़ दे। इसके ऊपर ब्राउन कलर आना चाहिए। देखिए मैंने 5 मिनट के लिए चिकन को हाई हीट पे पका लिया और अब हमने क्या करना है कि टमाटर इसके अंदर डालने हैं, देखिए, और साथ ही जो मसाले वो डाल देने हैं, सब्ज़ मिर्ची भी और नमक भी, सारा हम डाल के इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। और हम इसको पकने देंगे स्लो हीट रख के, इसकी मीडियम हीट रख के, मीडियम टू स्लो कर ले आप। और इसको हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसके ऊपर। तब तक अच्छी तरह सारा मसाला भी पक जाएगा, टमाटर भी पक जाएंगे, प्याज वो भी अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ आपको दिखाना चाह रही थी मैं कि 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और इस स्टेज पे आपने इसके अंदर नमक मिर्च मसाला सब चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए इसके अंदर ग्रेवी है तो अभी हमने चिकन आधा कुक हुआ है, अभी हमने इसे फुली कुक करना है। 10 मिनट हम इसे और पकाएंगे तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं उसके बाद हमने क्या करना है। ये देखिए चिकन हमारा भुन चुका है, कितना अच्छा इसको कलर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि शिमला मिर्च और प्याज इसमें डाल देने हैं और इनको पकने देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हीट रख के, जब तक ये गल ना जाए अच्छी तरह से। इस तरह हम इसको पका लेते हैं। ये देखिए चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, शिमला मिर्च भी सारी कुक हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहें तो आप 1 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी नहीं रखनी तो मैं ऐसे ही रखूँगी। तो हमारा चिकन जल फ्रेजी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। इनको आप चावलों के साथ सर्व कीजिए। चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस की रेसिपी देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।